तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग A30s पे लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि A30s में एंड्रॉइड 11 अपडेट आएगा या नहीं आएगा, या कह सकते हैं UI 3.0 का अपडेट सैमसंग A30s में आएगा कि नहीं आएगा। सैमसंग ने कुछ टाइम पहले कंफर्म तो कर दिया था कि सैमसंग A30s एलिजिबल है और इसमें 100% अपडेट आएगा एंड्रॉइड 11 का और कह सकते हैं UI 3.0 का। दोस्तों आज डेफिनेटली ये अपडेट आ चुका है, रोल आउट हो चुका है इंडिया के अंदर, जो कि मॉर्निंग से रोल आउट होना चालू हो गया है। दोस्तों ये अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे उसको अपडेट करना है, और आज मैं उसके कुछ हाईलाइट्स जो फीचर्स होंगे उसके बारे में बताऊंगा आपको ब्रीफिंग करके, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डेफिनेटली इसके नए फीचर को आपको बिल्कुल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे आप उस वीडियो को, कैसे उन फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे अपने मोबाइल में। तो दोस्तों इसके वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस ए टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर हाईलाइट आ जाएगी। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पर जाना है एंड ऊपर डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपडेट चेक करने को बोलेगा, आपको वहाँ पर अपडेट को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये अपडेट जो कि आया 1861.51 MB का है, लगभग 1900 MB का ये अपडेट रोल आउट हुआ गया है। दोस्तों इस अपडेट में आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शन पढ़ के बता दूं, यहां आप देख रहे हैं इस अपडेट में आपको मिलने वाला है 1UI3 अपग्रेड एंड्रॉइड 11, जो कि वहां पर आपको पहले मैंने बता दिया, यहां पर उसके बारे में लिखा गया है। नीचे आएंगे तो आपको यहां पर बताने वाला है आपको क्या क्या नए फीचर मिलने वाले हैं। विजुअल डिजाइन, आपको यहां पर जो विजुअल क्या बोलते हैं, जो उसका UI है थोड़ा सा आपको चेंज कर मिलेगा। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो मोबाइल है पहले की UI से थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि 1UI अपडेट हो गई आपकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डायनामिक इंप्रूवमेंट मिलेंगे, मेमोरी को लेके, ऐप्स को लेके, फास्टर आपका इंप्रूव, फास्टर मतलब मोबाइल भी आपका फास्ट काम करने वाला है। बेटर कस्टमाइज के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, न्यू इमेज, डायनामिक लॉक स्क्रीन के आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिलने वाली हैं। उसके बाद विजार्ड, लॉक स्क्रीन विजार्ड मिलने वाले हैं आपको। गेट एन इनएक्टिव प्रीव्यू विद अ सेटिंग वॉलपेपर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक, एडजस्टिंग द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक। यहाँ पर लिखा तो गया है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन इजियर, इसको देखेंगे आगे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें वर्क करता है या नहीं करता। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड में पिक्चर, जो कि बहुत लोग चाहते थे कि यार कॉन्टैक्ट में किसी का कॉल आए इनकमिंग में, तो उसकी जो प्रोफाइल पिक है या बोल सकते हैं जो फोटो हमने कॉन्टैक्ट में लगा के रखी है वो बैकग्राउंड में अच्छे से दिखना चाहिए, बट ये नहीं दिख रही थी, बट अब वो सॉल्यूशन हो जाएगा 1UI 3 में। और बिक्सी रूटीन हैव बीन हेल्प यू टू ऑटोमेटिक, मतलब बिक्सी का सपोर्ट भी मिलेगा, इंटरनेट और बहुत सारे कुछ यहाँ पर चेंजेस मिले। और नीचे आएंगे यहाँ पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन को भी चेंजेस करेंगे मिलेंगे आपको, डबल टैप लॉक स्क्रीन, डबल टैप अनलॉक और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कॉल्स एंड चैट में अलर्ट मिलने वाले हैं, पिक्चर्स एंड वीडियोस में आपको कुछ अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है, ऑटो फोकस तो टेक पिक्चर के जो लाइव पिक्चर या लाइव फोकस में पिक्चर की जाती थी उसका नाम चेंज कर दिया है ऑटो फोकस। और सेटिंग्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको A to Z अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स हैं। मैं एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको करके बताऊंगा कैसे आप इसको यूज करेंगे और कैसे ये फीचर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे और टोटल फीचर क्या क्या है। दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत करना या बोल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों तो आप यहां पर देख लिए, ये सब चीज़ हो गया है, आपको सिंपली करना क्या है, यहां पर आपको कर लेना है डाउनलोड। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है सिक्योरिटी पेज 1 मई की ही है, अभी सिक्योरिटी पेज पे कोई अपडेट नहीं आया है, तो उसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे आगे जाके कि इसमें सिक्योरिटी में अपडेट आया है या नहीं आया, सिक्योरिटी में अपडेट, सिक्योरिटी पेज का अपडेट आया है या नहीं आया, या आफ्टर डाउनलोडिंग या इंस्टॉल होने के बाद 1UI 3.1 होता है या 1UI 3.0 होता है, और इसमें क्या गुडलॉक अब सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत सारे डाउट्स है। दोस्तों ये सब क्लियर होंगे जब अपडेट हो जाएगा। तो मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पर डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। डाउनलोड होने के बाद आपको प्रोसेस तो पता ही होगा, वो आगे मैं और बताऊंगा प्रोसेस डाउनलोड होने के बाद क्या, एकदम से जो फर्स्ट इंप्रेशन में तुरंत ही बताऊंगा, बाकी जो मेजर जो फीचर्स होंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो कि कल या परसों में आ जाएगी। दोस्तों तो वीडियो अब अभी जो मैं बताने वाऊंगा आगे वो थोड़ा सा प्रीव्यू होगा, तो आगे चलते हैं। दोस्तों डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं 1UI 3.1 आया है या नहीं आया, गुड लॉक सपोर्ट करता है या नहीं करता। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आ गया लिखा हुआ अपडेट रेडी टू इंस्टॉल, बस सिंपली आपको करना है यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक, आपको दिख रहा होगा आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल अब ऑटोमेटिक
स्विच ऑफ होगा या बोल सकते हैं बैक एंड पे प्रोसेस चली जाएगी और उसके बाद आपका मोबाइल पे अपडेट होना चालू हो जाएगा। और को मेरे हिसाब से मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे इसको डाउनलोड या इंस्टॉल होने में, 20 मिनट लगेगा दोस्तों। एक बात जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप अपडेट करें तो अपने मोबाइल को हमेशा चार्ज रखें। आप देख सकते हैं मोबाइल की जो चार्जिंग है, आपका जो बोल सकते हैं बैटरी परसेंटेज है अबव होना चाहिए 50% से, या हो सके तो आप मोबाइल को चार्ज पे लगा के ही अपडेट करें, क्योंकि अगर आपका मोबाइल अपडेट होते टाइम अगर बंद हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उस बात का विशेष ख्याल रखें ताकि मोबाइल पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अपडेट ज़रूर करें क्योंकि अपडेट करने से मोबाइल में बहुत सारी जो कमियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, या बोल सकते हैं उसका इम्प्रूवमेंट होता है डिवाइस में, लाइक आपकी परफॉर्मेंस का, फीचर्स का एंड बहुत कुछ वहां पर अपडेट होता है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं यहां पर एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट के लिए प्रोसेसिंग होने लगी है, पैकेज अनपैकेज हो रहा है और उसके बाद इंस्टॉलिंग होना वहां पर चालू हो जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं यहां पर 96% हो चुका है, अब 100% हो गया, अब मोबाइल आपका यहां पर हो गया रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट होने के बाद अब वापस से मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद वापस से चालू होगा ऑटोमेटिक और वहां पर बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू हो जाएगी इंस्टॉलिंग की, जैसा आपको पता ही होगा अपडेट कैसा होता है। तो ये मैक्सिमम 15-20 मिनट्स लेगा, उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब ये प्रोसेस चल रही है, अब इस प्रोसेस को चलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली बस अपडेट होने ही वाला है, जो कि आपको दिख रहा होगा 400 455, जो कि उसकी प्रोसेस है होने की ऑप्टिमाइज़ ऐप्स की। 451 यहां पर ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो चुकी है, बस अब सिस्टम इसके पास ऑन होने ही वाला है। जैसे कि मैंने बताया था कि 15-20 मिनट्स लगते हैं और इसमें दो से एक बार आपका मोबाइल रीस्टार्ट होता है दोस्तों। अब यह आप देख सकते हैं फाइनली बस होने ही वाला है, फिनिशिंग होने वाला है, लास्ट अपडेट पे आ चुका है। ये सकते हैं दोस्तों फाइनली अब ये स्टार्ट हो चुका है मेरा मोबाइल। उसके बाद अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको अनलॉक। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा, अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हैंग मार के चल रहे हैं क्योंकि बैग में प्रोसेस चल रही है। थोड़ा सा UI यहीं से पता लग रहा है चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ जो लॉक ऊपर आ रहा है आपको दिख रहा होगा, ये लॉक पहले नीचे आता था, अब यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ और ये जो पहला पिन है आपको दिख रहा होगा, जो पिन है पहले अलग तरीके से आता था, अब ये अलग तरीके से आ रहा है, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लग रहा है ये चेंजेस हुए हैं और डेफिनेटली ये चेंजेस हुए हैं। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। और आप देख रहे होंगे लास्ट यहाँ पर फिनिशिंग चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको नोटिफिकेशन पैनल ही यहाँ पर चेंज मिल रहा है, जो कि पूरे तरीके से चेंज हो चुका है और उसमें पूरा व्यू अलग ही आ रहा है, आपको अलग ही यहाँ पर डिवाइस और मीडिया का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ नीचे करेंगे तो ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो टाइम वाला आपको दिख रहा होगा पहले ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ आता था, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिखने लगा है। ये अपडेट हो जाए एक बार तो मैं आपको और अलग से और बताऊँगा। लास्ट फिनिशिंग चल रही है, अपडेट आपको दिख रहा होगा, फिनिशिंग सिस्टम अपडेट यहाँ पर चल रहा है, जो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं भी बहुत जल्दी यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये लाइनिंग चल रही है फिनिशिंग की, आपको दिख रही होगी। जैसे ही ये फिनिश होगा आपको एक वहाँ पर पॉपअप भी आ जाएगा कि आपका जो अपडेट था वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली और आपका मोबाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अब क्या होगा, जब भी आप कोई नई ऐप्स को यहाँ पर खोलेंगे तो आपको वहाँ पर उसको परमिशन देनी लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने पहली बार कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल कराया, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आप कोई भी ऐप यहाँ पर ऑन करेंगे वो किसी भी आपके हार्डवेयर को एक्सेस कर रही है, लाइक माइक्रोफोन, स्पीकर, कैमरा या जो भी, तो आपको वहाँ पर दोबारा उसको परमिशन देनी पड़ेगी, तो ही वो एक्टिवेट होगी और तो ही वो प्रोसेस करेगा। लाइक यहाँ पर मैं कॉल को ऑन करता हूँ, जैसे ही आप कॉल को ऑन करेंगे, कॉल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा एटमॉस्फेयर भी पूरा चेंज हो चुका है, इसका भी लेआउट यहाँ से पूरा चेंज हो गया है। लाइक यहाँ मैं गैलरी ओपन कर रहा हूँ तो ये जो सैमसंग की तरफ से ऐप है ये तो प्री इंस्टॉल आराम से खुल जा रही है। जब आप बहुत अलग से थर्ड पार्टी ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे परमिशन मांगने वाला है। तो लाइक यहाँ पर कोई सी भी थर्ड पार्टी ऐप को खोल के देख लेते हैं, तो लाइक आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी होम स्क्रीन तो पूरा तरीके से चेंज हो गया है। जो बैकग्राउंड में जो फोटो आती थी पहले ब्लर नहीं होती थी, अब यहाँ पर बैकग्राउंड में भी जो वॉलपेपर लगा हुआ वो ब्लर होने लगा, आपको दिख रहा होगा। ऐप्स पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से हाईलाइट्स हो रही हैं, जो कि आपको दिख रही होंगी, आप ऐप्स देखेंगे तो हाईलाइट्स अच्छे से हो रही हैं। यहाँ पर आपको एक अलग से AR जोन इंस्टॉल हो चुका है, जो कि पहले नहीं होता था, ये अभी AR जोन को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है दोस्तों, जो पहले नहीं था। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐप को खोल लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्नैपचैट को ओपन कर लेता हूँ।
जैसे ही मैं स्नैपचैट को ओपन करूंगा तो यहाँ पर मांग नहीं रहा, बट बाकी सिक्योरिटी रीजन से वहाँ पर लिखा था कुछ कुछ ऐप्स में मांग सकता है, कुछ में नहीं मांग सकता, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर जब भी कोई बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका सेंसर ऑटोमेटिक या बोल सकते हैं वाइब्रेट होने लगा है मोबाइल। ये तो मेन आपको दिख रहा होगा, ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेआउट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ तो मुझे बार बार टच का वाइब्रेट का एहसास हो रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग पे चल लेता हूँ। होम स्क्रीन पे सेटिंग पे जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन सेटिंग भी पूरी तरह से लेआउट चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको ऐप्स के आइकन्स और सब बाकी सब तो चीज़ें ठीक हैं, और भी क्या क्या चेंजेस होगा वो तो उसके बाद ही पता चलेगा जब पूरी तरह से मोबाइल ऑन होगा और मैं उसके बाद उसको यूज़ करके देखूँगा। यहाँ पर अगर आप कॉल पे जाएंगे या नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नया अपडेट्स बता रहा है, आपको दिख रहा होगा एन करके बता रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो नया फीचर मिल रहा है कॉल बैकग्राउंड का, आप देखेंगे यहाँ पर आप दोनों सिम पे अलग अलग रख सकते हैं, सिम वन और सिम टू पे। अगर आप सिम वन पे जाएंगे तो आपको सिम वन के लिए ऐसा होगा लेआउट, आप यहाँ पर दो तरीके से लेआउट भी कर सकते हैं कॉल के कैसे लेआउट चाहिए, और उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि सबसे पहला ये बोल सकते हैं जो मेरे पास जो मुझे अच्छा फीचर लगा एक तो ये आया है। यहाँ पर एक और अपडेट मिला है आपको मैसेज में, अब पहले अगर आप मैसेज डिलीट करते थे डायरेक्ट डिलीट हो जाते थे, अब यहाँ पर आपको थ्रेस का ऑप्शन मिल गया है। मैसेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक थ्रेस का ऑप्शन मिल गया है, जब भी आप कोई मैसेज डिलीट करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको रिसाइकिल मिन का ऑप्शन मिल गया, जो कि 30 डेज तक के लिए आपके मैसेज को सेव करेगा। अगर आपसे कोई गलती से डिलीट हो गया या अगर आप डिलीट करते हैं तो ये 30 डेज के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और पहले कॉन्टैक्ट अगर आप डिलीट करते थे वो सिर्फ 15 डेज के लिए आपको रिसाइकिल बिन में रहते थे, अब उसको भी अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पर आप 30 मिनट्स तक या बोल सकते हैं थोड़ी 30 डेज तक वहाँ पर आपके वो सब चीज़ें वहाँ पर सेव होने वाली हैं। अब चेंज हो गया, अब नोटिफिकेशन जो पैनल है आपको दिख रहा होगा, पहले अलग से नोटिफिकेशन आती थी, अब नोटिफिकेशन भी अलग से आ रही हैं, जो उसका साइज़ है और उसका आने का तरीका है पूरी तरह से वो भी चेंज हो चुका है दोस्तों। ये दो ये स्मॉल या बोल सकते हैं बिग चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो एडिशनल चेंजेस होंगे वो आपको मैं फाइनल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि मैंने बताया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ऑन होने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसी सेटिंग मिलने वाली है जो कि पूरी तरह से चेंज हो गई है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे डिस्प्ले पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन मिलने वाला, लाइट और डार्क ऊपर आ गया है, नीचे आई कम्फर्ट जोन जो कि पहले होता था नाइट लाइट के नाम से या विविड को चोर नाम से आता था, अब यहाँ पर उसका नाम चेंज कर दिया आई कन्फर्म शील्ड के नाम से कर दिया गया है। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एज पैनल भी यहाँ पर दे दिया गया है, सैमसंग ने एज पैनल भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप यहाँ पर एज पैनल भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये कैसे करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। वॉलपेपर्स यहाँ पर अगर आप जाएंगे वॉलपेपर्स में तो यहाँ पर वॉलपेपर्स भी आपको अपग्रेड कैटेगरीज बहुत सारी मिलने वाली हैं यहाँ पर, जो कि पहले नहीं होती थी, पहले मैक्सिमम 4 से 5 कैटेगरीज ही थी, अब यहाँ पर आपको कैटेगरीज भी बढ़ गई हैं यहाँ पर। ऐसा ही यहाँ पर ग्लैंस पे भी सेम होगा, यहाँ पर आपकी सबकी कैटेगरीज को इनक्रीज़ कर दिया गया वॉलपेपर की। तो फाइनली दोस्तों आपका मोबाइल अब हो चुका है अपडेट, या बोल सकते हैं अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर इसके सेटिंग में जाने के बाद, आपको जाना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में या अबाउट फोन में चलते हैं। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर वन UI आपको 3.1 मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको 11.1 आपको अपडेट यहाँ पर मिल चुका है, जो कि लग रहा था कि कब आएगा, अब यहाँ पर आपको 11.1 का एंड्रॉयड का अपडेट आपको मिल चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 1 मई की आपकी सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, मेन चीज़ आपको यहाँ पर 3.1 मिला है, जो कि पहले आपको लग रहा है वहाँ पर बताया गया था कि 3.0 आएगा, बट यहाँ पर आपको 3.1 का यहाँ पर उन्होंने दे दिया गया दोस्तों। आगे और भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मेन चीज़ अभी यहाँ पर आपको देख लेते हैं जो काम का फीचर दिया गया है। यहाँ पर एडवांस फीचर में जाना है, एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको जाना है या मोशन एंड गेंजर्स में, यहाँ पर आ जाएंगे तो अब आपको क्या हो गया दोस्तों, पहले आपको क्या होता था डबल टैप करके आप इसको स्क्रीन को टर्न ऑफ नहीं कर सकते थे, बट अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया है, अब यहाँ पर आप डबल टैप करके ऑप्शन को डबल टैप करके बंद स्क्रीन को बंद और ऑन कर सकते हैं। आप इसको कैसे करते हैं, लाइक आप होम स्क्रीन पे आ गए, आपने यहाँ पर डबल प्रेस करा या बोल सकते हैं डबल टैप करा तो मोबाइल लॉक और अनलॉक होने लगेगा। लाइक अब यहाँ पर अगर आप डबल टैप करेंगे होम स्क्रीन पे आने के बाद, अब मैंने यहाँ पर डबल टैप करा तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल यहाँ पर अनलॉक और लॉक होने लगा, जो कि पहले नहीं होता था, अब ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर जो आपका फिंगरप्रिंट का सेंसर का था यहाँ पर भी उसका चेंज कर दिया गया है, जो पहले आता था उसका डिज़ाइन यहाँ पर चेंज को कर दिया गया है दोस्तों।
अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बताऊंगा और क्या क्या नेक्स्ट अपडेट आए हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और हो सके दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।